एलर्जी क्रिएट हो जाती है। तो इन तमाम से ये डिसिप्लिन जो है वो फ्री है, 100% सेफ है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जिस इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, इन्वायरमेंटल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 100% ओके। सो देयर इज नो एनीथिंग कॉल्ड कंटेमिनेशन विच इज हजार्डस टू द इन्वायरमेंट। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, आपके हाथों के लिए भी सुरक्षित, बर्तन के लिए भी अच्छा, और इन्वायरमेंटल के लिए भी सेफ है। और सबसे अच्छा क्या है, आपके बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस घर में आप जाएंगे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं इस्तेमाल की विधि भी आपको बताऊंगा। वैसे आप सभी गृहिणियां जो है बेहतर समझती होंगे कि इसका इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, लेकिन उस रेशियो का जिक्र मैं जरूर करूंगा जिस रेशियो में आपको इसको डाइल्यूट करना है। सबसे पहले देखें पावरफुल ग्रीस कटर। जब आप बर्तन साफ कर रहे होते हैं तो उसमें जो ग्रीस कंटेंट होते हैं, जो ऑयल कंटेंट होते हैं, इतनी आसानी से नहीं जाते। अब नॉर्मल टैप वाटर से वॉश करके आप उसे उठा नहीं सकते हैं, या फिर कोई मार्केट लाई हुई डिस्क्लिन का इस्तेमाल करके आप उसे नहीं हट सकते। कभी कभी वो इतना कहते हैं ना, जितनी दाग है ना, जितनी दाग नहीं जाते इतनी आसानी से। तो आप इस डिस्क्लिन का, इसका पेनिट्रेशन इतना इफेक्टिव है कि बिना आपके बर्तन को नुकसान किए बगैर ऑयल कंटेंट और ग्रीस कंटेंट को वो हटा देता है। और क्यों हटाता है, क्योंकि इसके अंदर जो तो सर्फेक्टेंट है, क्लींजिंग एजेंट का इसमें इस्तेमाल किया गया है, केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड जो है वो वाटर कंटेंट का, जबकि टेल जो कंटेंट है वो ग्रीस एंड ऑयल कंटेंट को अटैक है। और फिर वहां जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो वहां से वो निकलनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ जब आप इसकी बहुत कम मात्रा, मात्रा कितनी लेनी है आपको बता दूं, 1:16 के रेशियो में इसका इस्तेमाल करना है। जैसे अगर आपने 1 ml इसकी क्वांटिटी अगर ली तो उसमें 16 टाइम्स जो है वाटर में डाइल्यूट कर करके बर्तन को साफ कर सकते हैं। मतलब सोचिए कितना पावरफुल ये चीज होगा, कितनी कॉन्सेंट्रेटेड ये चीज है कि आप 1:6 के रेशियो में तो आप इसको डाइल्यूट कर करके बर्तन को साफ कर सकते हैं। और झाग बहुत ही अच्छी देती है, मतलब तुरंत से जो स्प्रेड हो जाता है आपके बर्तन के चारों तरफ। और झाग के बाद जैसे ही आप टैप वाटर से इसे रिंस करते हो विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू, इट गिव्स यू अ वेरी शाइनिंग यूटेंसिल, बायोडिग्रेडेबल एजेंट। इसके अंदर जो चीजें वो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने कहा कि सुरक्षित है, ये बायोडिग्रेडेबल हो जाती हैं, और साथ ही साथ कोई भी नुकसान आपके ना तो सेहत पे और ना ही इन्वायरमेंट पे छोड़ती है। पुनः से कहना चाहता हूँ, आपके हाथों के लिए सुरक्षित है। तो उन लोगों से मैं निवेदन है जो विगत समय में किसी मार्केट की उपलब्ध डिस्क्लीन का इस्तेमाल किया, उनके हाथ जल गए, हाथों में एलर्जी हो गए, उन तमाम लोगों से निवेदन है कि पुराने अनुभव, जो खट्टे अनुभव है आपके, उन्हें भूल जाएं, इस डिस्क्लीन का मतलब इस्तेमाल भी करें, यूजेस करें। ये आपके किचन के लिए बहुत ही गहन रिसर्च के बाद इसे फॉर्मुलेट किया गया है। आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप अपने किचन को बिल्कुल कीटाणु रहित रखिए, चमकता हुआ रखिए, बिल्कुल फ्रेश रखिए, और हाथों को भी नुकसान ना होने देंगे, ये हमारा वादा है। इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, देखिए हर जगह की वाटर की व्यवस्था एक जैसी नहीं होती, कहीं कहीं सॉफ्ट वाटर है, कहीं कहीं हार्ड वाटर है, मिनरल का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्लींजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना, लेकिन इस डिस्क्लीन को इतना इफेक्टिव बनाया गया है कि यू वोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी व्हाइल यूजिंग इट इवन विद द हार्ड वाटर। सो तो सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांस इंग्रेडिएंट्स फॉर सुपीरियर क्लींजिंग, जैसा मैंने आपको बताया, सुपीरियर क्लींजिंग का मतलब है कि बर्तन के बिल्कुल लेयर्स, एक लेयर नीचे जाकर ये साफ करती है। मतलब सरफेस पे जितने भी आपके ग्रीस कंटेंट होंगे, ऑयल कंटेंट होंगे, है ना, स्पाइसेस होंगे, हर उन चीजों को वो हटा देती है, और साथ ही साथ बर्तन को इस हद तक सुरक्षित कर देती है उसमें थोड़े जर्म्स भी ना रहे। देखिए जो चीजें मुझे महकती है, मैं बता दूं इसके पीछे का जो विज्ञान है, जो चीजें आपको बदबू देता होता है ना, बर्तन से बदबू आ रही है, गंदा आ रही है, कुछ कुछ तो चीज मैं समझ में आती है, लेकिन स्थिति में जो चीजें दुर्गंध देती हैं वहां कहीं ना कहीं बैक्टीरिया और फंगस का डिपॉजिट होता है। और जब बैक्टीरिया फंगस ये डिपॉजिट करते हैं और उसी में आप फूड सर्व कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं याद रख लीजिएगा फूड पॉइजनिंग की भी समस्या होगी। आमतौर पे बरसात के सीजन में ज्यादातर देखा गया है कि फूड पॉइजनिंग बहुत ज्यादा होती है। आप भोजन तो बिल्कुल फ्रेश खाया था, लेकिन पता नहीं क्यों ऑल ऑफ सडन यू केम अक्रॉस विद दिस डिफिकल्टी कि फूड पॉइजनिंग हो गई, वोमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, द मोमेंट यू रीच योर डॉक्टर, डॉक्टर एडवाइस यू सम मेडिकेशन पिल्स और एनीथिंग। ठीक है, तो ये अच्छा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के साथ साथ आपका ये का भी प्रोटेक्शन करती हैं, आपके पीवी को बढ़ाने का भी काम करती हैं, आपके हैप्पीनेस को बढ़ाने का काम करती हैं। इधर ग्लिसरीन मिला हुआ है जो इसकी फॉर्मुलेशन को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बना देता है, साथ ही साथ प्रोपाइलबिटाडीन, ये एक किस्म से डर्ट्स को आपके बर्तन से हटाने का काम करते हैं, इसकी जो बॉन्डिंग है उसको वीक करने का करती हैं। और इस फॉर्म को बनाने में एलोवेरा का भी इस्तेमाल किया गया है, विच इज अगेन जेंटल फॉर योर पाम के लिए, हाथों की हथेलियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कोकोनट डाई इथानोमाइन,
तो आपके बर्तन की चमक जो है बिल्कुल ऐसा कर देती है जैसा लगता है कि अभी जो है आपने मार्केट से उस बर्तन को खरीद करके लाया हो। दोस्तों फॉर रेगुलर डिश वॉशिंग कभी कभी अब मैं बात कर रहा हूँ, देखिए जब आप कॉर्पोरेट लेवल पे जाएंगे किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर किसी कंपनी के लेवल पे जाएंगे, वहाँ वेल स्टैब्लिश जो कैंटीन होते हैं, मिसाल के तौर पे आप 5 स्टार होटल्स की बात करें, 3 स्टार होटल्स की बात करें, बड़े बड़े जो कम होते हैं जिनकी अपनी कैटरिंग की व्यवस्था होती है, वहाँ ऑटोमेटेड जो है डिश वॉशिंग बिन होते हैं, उसके अंदर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं 1:16 के रेशियो में। साथ ही साथ इसको एक कहते हैं ना बहुत ही जिद्दी दाग जो होता है वो बिल्कुल जाता नहीं है, वैसी जगह पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डिस्पेंसिंग बहुत ही इजी है, बस इसकी कैप को ओपन करनी है, कंटेंट को पोर करना है 1:16 के रेशियो में और अपना काम कर लेना है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप वो बड़ी बड़ी जो हाथों में जो बार और टिकिया लेकर के लोग रखते थे किचन में, उसका दौर गया। अब स्मार्ट टीवी, स्मार्ट मोबाइल, स्मार्ट किचन, स्मार्ट क्लींजिंग एजेंट, हर चीजें स्मार्ट हो रही है, तो हमें भी थोड़ा समय के साथ चलना पड़ेगा। और हमारे जो मैनेजमेंट है एमडीसी के माध्यम से जो दिया गया है ये खूबसूरत सा तोहफा आज के दिन में, इस प्रोडक्ट लॉन्चिंग के दौरान जो 6 प्रोडक्ट्स आपको दे जा रहे हैं, निश्चित तौर पे मैं आने वाले समय में आपके बिजनेस को इन तमाम प्रोडक्ट्स का प्लस प्री एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स से इस्तेमाल करती हूँ। आपकी जो पीजीपीबी है, आपकी पीवी, आपकी बोनस को बढ़ती हुई मैं देख रहा हूँ। वर्सेटाइल यूज, आप कहीं भी जाइए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको इजी टू कैरी मोड पे भी लेकर के जा सकते हैं, कहीं टूर और ट्रैवलिंग भी जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा कंटेंट लेकर के जा सकते हैं। हाँ, अब ये काफी चीज है ये, क्योंकि यहाँ से होती है शुरुआत हमारे बिजनेस की। हमारे भी 250 DP 200 SV85 एंड PP80, तो ये हमारा बिजनेस का कॉन्फ़िगरेशन है। और मैं समझता हूँ कि उसके बारे में ज्यादा कुछ कहने को है नहीं, समझने की चीज है कि मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट से फार बेटर है, एक बेटर ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात, हम अगर प्रोडक्ट ड्रिवन सिस्टम में है और डीएक्सएम में है और हम किसी एक्स कंपनी के बारे में और उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में सोचें तो थोड़ा सा ये अन्याय होगा। और ये एक अच्छी बात यह है कि ये सारी की सारी चीजें जो है आपके डीएक्सएम के सिस्टम में उपलब्ध है, तो हम इन तमाम चीजों का सेल्फ कंजम्पशन भी बढ़ाएंगे, यूजेस बढ़ाएंगे एट आवर ओन लेवल और मार्केट के लेवल पे। तो आप सबों ने जो मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जितने भी करेंट एंड अपकमिंग जो हमारे कैंपेन्स हैं, हमारे जो प्रमोशंस हैं, उस प्रमोशंस का आप हिस्सा बढ़ चढ़ करके हो और आप अपनी पीजीपीबी को स्केल अप करें, अपनी अपनी लेवल्स को बढ़ाएं, अपनी बोनस को बढ़ाएं, अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाएं और नए नए चेहरों को सामने लेकर के जो काबिल है, जो सपने देख सकते हैं, जो सपने को पूरा करने में अपना सहभागिता दे सकते हैं और जिनको सही मायने में जिंदगी जो है अपने जिद पे जीनी है, अपने तरीके पे जीने हैं। तो वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एंड बेस्ट, थैंक यू।